लोकतंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुश बख्शे। आजकल परिवार में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं और ये लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि परिवार टूटने की कगार पर आ जाता है। तो गुरु मंत्र शो ने अब ये तय किया है कि हम आपके परिवार को टूटने नहीं देंगे बल्कि एक करेंगे और इसकी शुरुआत हम करते हैं सास बहू के झगड़े से। गुरु जी घर में जब भी लड़ाई होती है सास बहू की तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज हम गुरु जी से जानेंगे कि सास बहू के रिश्तों को हम कैसे सुधार सकते हैं। इसके अलावा हम किन विषयों पर बात करेंगे आइए जानते हैं। सास बहू में क्यों होती है कलह, सास बहू में प्यार बढ़ाने वाले उपाय जानेंगे, सास बहू के रिश्ते में दरार डालने वाले ग्रहों को पहचानेंगे, शादी से पहले कौन सा उपाय करें जिससे ससुराल वालों से प्यार बना रहे। शो की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी डिटेल्स, अपना सवाल और अपना फोन नंबर लिखकर भेजिए। उसके बाद आप भी हमारे शो पर कॉलर बन सकते हैं। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो गुरुदेव सबसे पहले आपसे जानते हैं कि सास बहू में लड़ाई झगड़े की वजह क्या होती है, लक्षण क्या होते हैं जिनसे पहचाना जा सके कि घर में आगे घर टूटने की कगार पर पहुंचने वाला है। बेटा तुमने तो आदिकाल से चला आ रहा है जो झगड़ा है वो उठा दिया आज। एस्ट्रोलॉजिकली चंद्र सास होती है और शुक्र बहू होती है और चंद्र और शुक्र ये दोनों जब मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं नीच केतु और नीच केतु का काम होता है टेंशन देना और लेना और इन दोनों के मिल जाने से बनता है रेत का पहाड़। यानी कि कोई भी जो स्ट्रांग वाली स्टेबिलिटी वो नहीं होती, रेत की तरह बिखरा हुआ बिल्कुल। इस वजह से शायद सास और बहू का झगड़ा सदा से ही रहा है। लेकिन बहुत सारी जगह पे ये ऐसा भी देखने को मिलता है कि सास बहू घी खिचड़ी भी होते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम होती है बेटा वो होती क्यों है, इसका सबसे बड़ा कारण एक ही होता है कि जिस बच्चे की शादी हो रही है यानी कि लड़के की, अगर उसकी जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर कोई भी पापी ग्रह, खराब ग्रह बैठा हुआ है तो सास बहू की कभी नहीं बन सकती। क्योंकि जिस बच्चे की शादी हुई है लड़के की, बेटा उसके चौथा घर यानी कि मां का घर, और अगर उसके अंदर मान लीजिए शनिदेव विराजमान हो गए तो उनका काम होगा रिश्ते के अंदर कंफ्यूजन रखना, हमेशा सास और बहू में गलत फहमियां पैदा होना, कड़वा बोलना और एक दूसरे को समझने की कोशिश ही ना करना, और जिसकी वजह से रहना भी साथ में और एक दूसरे में कमियां भी लगातार निकालते रहना, कभी बहुत ज्यादा प्यार हो जाना और कभी एक मिनट के अंदर लड़ाई होना, ये वाला जो खराब हालात होते हैं बेटा ये शनिदेव पैदा करते हैं। इसके बाद में अगर बच्चे की जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर केतु बैठे हैं तो इनका काम क्या होता है कि एक छोटी छोटी बात एक दूसरे की बुरी लगते चले जाना, और यही नहीं इन दोनों के झगड़े के अंदर प्रॉपर्टी का मसला या पैसे के लेन देन को लेकर के लड़ाई ज्यादा बनती है। बहू कहती है मुझे पैसा नहीं मिलता, सास कहती है पैसा सारा बहू के ऊपर खर्च होता है, यानी कि पैसे की बात जरूर होती है जिसकी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर के केतुदेव विराजमान होते हैं। फिर एक तीसरा योग बनता है, तीसरा योग होता है गर्म ग्रह का और वो होते हैं मंगल या खराब वाले सूर्य। अगर ये बैठे हुए हो तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा लड़ाई झगड़ा सास बहू का हाथापाई तक भी जाता है और इसके अंदर दोनों में से एक या दोनों ही बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले और एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने वाले और साफ मुंह पे कह देने वाले कि आप घर से चले जाओ, हम साथ नहीं रह सकते, ये तीसरी कंडीशन होती है और ये तीनों ही कंडीशन बेटा बहुत ही घातक है। तो गुरु जी ने अभी हमारे दर्शकों को बताया कि लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं सास बहू में ना पटने के। अब गुरु जी आपसे जानना चाहते हैं कि दो अलग अलग लोग हैं तो दोनों को उपाय भी अलग अलग करने होंगे। तो सबसे पहले हम सास के उपाय कर लेते हैं, अगर उनकी बहू से नहीं बनती है तो शादी से पहले और शादी के बाद क्या उपाय कर सकती है। बेटा जो तुमने पूछा अभी, बच्चा अगर खुद स्वयं समय समय पर बीमार हो जाता है तो इसका मतलब उसका शुक्र खराब है
और अगर उसका शुक्र खराब है चंद्र इफेक्टेड होगा ही होगा, समझे साथ में। तो ऐसे बच्चों को अपने वजन के बराबर जवाब लेकर के मंदिर में खड़ी जो भी गाय हो या मंदिर वाले पुजारी जी ने जो पाल रखी हो उसको वो जवार जरूर खिलाते रहे। और हरी चरी का मौसम सर्दियों के अंदर आता है बेटा, समझे, वो हरी चरी गाय को जरूर डाला करें, ये उसके लिए सबसे उत्तम, उसके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भी और आगे शादीशुदा जिंदगी के लिए भी, ठीक है। और अगर लड़का लड़के को पैसे से संबंधित आए दिन अगर दिक्कत रहती है और उसकी मां बीमार भी रहती है और प्रॉपर्टी के मसले को लेकर के, यानी कि उसके पास से इतने समृद्धि न होना कि प्रॉपर्टी बना सके और जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर कोई ना कोई कमी या उसकी वजह से सरकारी फंड है या किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा अगर खानदान में चला है तो समझ लो चंद्रमा खराब है, जिसकी वजह से फिर अगेन ये समझ आता है कि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होगा और सास बहू की नहीं बनेगी। तो इस चीज को करने के लिए उसको हर शनिवार को सरसों का तेल, थोड़े से काले सफेद तिल और एक नारियल, इसका दान हर शनिवार को उस बच्चे को करते रहना चाहिए। और ये करने से चाहे ये सास करे, चाहे वो बच्चा स्वयं करे, उधर चाहे बेटी करे या बेटी के माँ बाप भाई बहन में से कोई भी करे, बेटा अगर ये उपाय करते हैं तो शादी के बाद ये बेमतलब के झगड़े जो सास बहू के हैं बेटा, इनके ऊपर अपने आप लगाम लग जाएगी और जिंदगी के अंदर खुशहाली ऐसी आएगी कि सदा परिवार एक ही रहेगा। तो गुरुजी ने सास का तो बता दिया है कि सास को क्या उपाय करने चाहिए। गुरुजी, बहू लड़की मतलब शादी से पहले कि उसकी सास से अच्छे से बने और शादी के बाद अगर नहीं बन रही है तो किस तरह के उपाय कर सकते हैं? बेटा बहू जो बनने वाली, अगर वो बच्ची बीमार रहती है तो इससे समझ आता है कि उसका शुक्र खराब है जो बाद में जाकर के उसकी गृहस्थ जीवन के अंदर कलेश का कारण बनने वाला है। तो ऐसी अवस्था में बहू को, यानी कि जो अब शादी के लायक हो गई है बच्ची, उसको मंदिर में खड़ी हुई वो गाय जिसको पुजारी जी ने पाल रखा हो या मंदिर वालों ने पाल रखा हो, सफेद जवार जो मिलती है बेटा, अपने वजन के बराबर साल में एक बार वो जवार जरूर दें। और साथ ही हरी चरी, वो भी सर्दियों के मौसम में आती है बेटा और पेड़ होता है ये, एक तरह का पौधा बड़ा होकर, ये हरी चरी अगर वो गाय को देती रहती है और समय समय पर चरी के मौसम में ज्यादातर उसको खिलाती है तो बेटा शुक्र का ये बुरापन समाप्त होता है। इसके साथ ही बेटा चंद्रमा को प्रबल करना बहुत जरूरी है। चंद्रमा को प्रबल करने के लिए सुच्चे मोती की अंगूठी बच्ची को शादी से पहले ही धारण करवा देनी चाहिए और सोमवार के व्रत करके वो जल शिवलिंग पे चढ़ाए, बेटा इससे उत्तम उपाय और कोई नहीं हो सकता घर की सुख शांति के लिए। तो एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं कि अगर सास बहू के रिश्ते सुधारने हैं, चाहे वो शादी से पहले की बात हो या शादी के बाद की बात हो, तो क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आपके घर में सास बहू के झगड़े हो ही ना। गुरुजी, शादी तय हो गई है तो लड़की के लिए ऐसे कोई उपाय हैं जो वो शादी तक आते आते कोई कर, क्योंकि उसको अगर पता नहीं है कि कुंडली में ऐसे दोष हैं उसके ऊपर, तो ऐसा कोई उपाय है जो लड़की शादी के टाइम पर कर सकती है जिससे कि शादी के बाद इस तरह की कोई सिचुएशन? बेटा जिन बच्चियों की शादी 18 से 22 साल की उम्र में हो जाती है उनके लिए ज्यादातर ये दोष नहीं होते, और फिर भी अगर कोई होगा तो वो गर्म ग्रह का दिया हुआ दोष होगा जिसको वो आराम से ये जो भंडारा लगाते हैं, पूरी हलवे का जो भंडारा लगाते हैं या मीठी चीजें बांटने का जो मंगलवार को करते हैं, बेटा ऐसे कोई भी अगर ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो उसी से ही परमात्मा की दया से उसकी जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन जिनकी शादियां लेट हो जाती है और 25-27 साल की उम्र के आसपास जिनकी शादियां होती हैं, उनकी जन्म कुंडली के अंदर पापी ग्रहों की प्रधानता ज्यादा होती है जिसकी वजह से घर के अंदर डिफरेंसेस सोच वाले पड़ते हैं, यानी कि मिलके भी रहना और लड़ते भी रहना। इन लोगों को शनि के दान जरूर करते रहना चाहिए, कहने का मतलब उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, इनको दान देते रहना चाहिए। और जिनकी शादी ज्यादा उम्र में होती है और काफी ज्यादा प्रॉब्लमों के बाद होती है, यानी कि रिश्ता तय करने में भी और रिश्ता ढूंढने में भी दिक्कत आई, बेटा वहां पर अगर सास बहू के लिए अगर आप बात करें तो ऐसे लोगों को मंगल यानी कि गर्म ग्रह और केतु यानी कि सौम्य ग्रह, ये इन दोनों का मिश्रण यानी कि 43 दिन 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवास जरूर करनी चाहिए। ये करने पे सास बहू के झगड़े में बहुत बड़ा फर्क आएगा। तो गुरुजी आज हमको उपाय बता ही रहे हैं कि सास को क्या उपाय करने हैं, बहू को क्या उपाय करने हैं रिश्ते संभालने के लिए। अगर गुरुजी दोनों ही ना माने, क्योंकि दोनों अपनी गलती नहीं मान रही हैं,
उनको लगेगा कि मैं गलत नहीं हूँ, बहू को लगेगा मैं गलत नहीं हूँ, तो घर के बाकी सदस्य भी इससे डिस्टर्ब रहते हैं। तो घर के जो बाकी सदस्य हैं, ससुर है, पति है, नंद है, भाभी है, क्या वो भी कोई उपाय कर सकती हैं जिससे कि उनके घर में कलह दूर हो जाए? बिल्कुल बेटा, ऐसा है, अगर बाकी के लोग उपाय करना चाहे तो जो मैंने ये उपाय बताए हैं वो बाकी के लोग भी कर सकते हैं, जो खून के ताल्लुकदार हैं वो कर सकते हैं अपनों की तरफ से। लेकिन इसके साथ में एक एडिशनल उपाय जरूर करना पड़ेगा, और वो एडिशनल उपाय क्या है, बृहस्पतिवार के दिन कच्चा पीला सूत लपेट करके ये पीपल को लपेटना चाहिए, और साथ में उसके ऊपर जल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बृहस्पति की एनर्जी को घर पे लेके आना और बृहस्पति को स्ट्रांग कर लेना ये बहुत जरूरी है। और जिन लोगों का बृहस्पति स्ट्रांग हो और अच्छा हो जाए, बाकी के ग्रह कितने भी खराब हो घर कभी नहीं टूटता बेटा, वहां पर घर के अंदर एक दूसरे के साथ मिलनसारी, एक दूसरे को समझना, ये अपने आप ही पैदा हो जाता है। तो जितनी शादीशुदा जिंदगी है अगर खराब होने के कगार पे आ रही है या फिर सास बहू के झगड़े के अंदर खराब हो रही है, तो बेटा पीपल को कच्चा पीला सूत लपेटना और जल चढ़ाना एक रामबाण उपाय है जो आपको हर तरह का सुख देने में सक्षम है। तो गुरुजी ने अभी तक हमें उपाय तो बता दिए हैं कि किस तरह के उपाय सास कर सकती हैं, किस तरह के उपाय बहू कर सकती हैं। गुरुजी, वास्तु में बदलाव करके भी हम सास बहू के झगड़े को खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, ये किया जा सकता है। वास्तु में चंद्रमा का स्थान कौन सा है, उत्तर पूर्व साइड, ठीक है, और बहू का स्थान कौन सा है, ठीक है, ये है दक्षिण पश्चिम। तो अगर दक्षिण पश्चिम में वॉशरूम होगा या दक्षिण पश्चिम के अंदर बेटा वहां पर कबाड़ वगैरह रखा हुआ होगा, और ऐसा ही ये उत्तर पूर्व के अंदर है, अगर उत्तर पूर्व के अंदर वॉशिंग मशीन वगैरह या शौचालय वगैरह होगा या फिर किसी भी तरह का कबाड़ वगैरह रखा हुआ होगा, तो सास बहू की कभी भी एक घर में रहते हुए जम नहीं सकती। और अगर रहेंगी भी तो या तो दोनों बीमार रहेंगी, नहीं तो एक तो जरूर बीमार रहेगी, ठीक है। इसीलिए बेटा वास्तु का ख्याल रखते हुए घर के दक्षिण पश्चिम के अंदर से वॉशरूम को हटाना, और साथ ही वहां पर किसी भी तरह का कबाड़ ना होना, और वहां के वातावरण को खुशबूदार, बहुत अच्छा, साफ सुथरा बना के रखना बेहद जरूरी है। और हाँ, वही दक्षिण पश्चिम के अंदर नीले रंग का पेंट, किसी भी तरह का पर्पल कलर का जो पेंट है वो किसी भी तरह का, और रेड कलर का पेंट किसी भी तरह का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से उत्तर पूर्व के अंदर वहां पर वॉशिंग मशीन नहीं होनी चाहिए, कबाड़ नहीं होना चाहिए, शौचालय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और उस जगह पे एक खास चीज करो बेटा, वो खास चीज क्या कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गंगा जल घर में रखो उस स्थान के ऊपर। वो नहीं रख सकते, चावल की बोरी रखो, वो नहीं अगर रख सकते तो एक चांदी का बर्तन लेकर के उसमें शहद भरो, और साथ ही उस चांदी को हर सोमवार को या हर बृहस्पतिवार को पीले चंदन का लेप लगाओ, ठीक है, या केसर का लेप लगाओ। अगर ये चीज आप साथ में करके रखते हो तो बेटा सास बहू का झगड़ा ही नहीं खत्म होगा, सास बहू बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी और अपने परिवार के लिए अच्छा सोच के उसको बढ़ाने के लिए इकट्ठे प्रयास करेंगी, और दुनिया में एग्जाम्पल बनेगा कि यहाँ देखो सास बहू कैसे माँ बेटी की तरह रहती है। गुरु जी, आपने वास्तु के उपाय बताए हैं, लेकिन घर का बेडरूम भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। घर में दो बेडरूम तो जरूर होते हैं, एक सास का एक बहू का, तो बेडरूम में कोई फेरबदल करके या फिर ऐसी कोई गलती हम कर देते हैं जिससे कि सास बहू के झगड़े और ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये भी अगर हो खराबी के ऊपर तो घर में वाकई में हालात खराब होते हैं, जैसे घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले पानी का पाइप अंदर आ गया या वहां पर हैंड पंप या पानी का जरिया बना दिया, तो बेटा तब भी सास बहू की नहीं बन सकती, और तब भी सिर्फ सास बहू की नहीं, आपस में मियां बीबी के हालात भी खराब होते हैं, और वो जिंदगी के अंदर लड़ते लड़ते ही आगे चलेंगे और पैसे की कमी झेलते हुए आगे चलेंगे। तो इसीलिए दक्षिण पूर्व के अंदर से पानी का साधन ना हो, और दक्षिण पूर्व के अंदर कभी भी ब्याज जोड़े का जो कमरा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी परेशानी है जिसका हल आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर तरीका बहुत ही आसान है। बस आपको हमारी ईमेल आईडी जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, gurumantra@itv.com, इस पर आप हमें अपनी परेशानी और अपना फोन नंबर मेल करें। उसके बाद हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और आपको लाइव कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।
तो गुरु जी से चर्चा हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़ गए हैं इंदौर से मनीष जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम मनीष यादव है, मैं इंदौर में रहता हूँ। मेरा जन्म 11 जून 1992 रात 11:45 पे हुआ था। मैं जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, तो मुझे इसके लिए कुछ उपाय बताइए। मनीष, तुम्हारी कुंडली के अंदर सच में चौथा घर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है बेटा, और ये जिसका डिस्टर्ब हो जाता है उसके पत्नी के सुख, उसके बच्चों के सुख, उसकी कमाई के सुख, तीनों में परेशानी होती है। एक तो ये योग है बड़ा खराब, और दूसरा योग एक और है, बृहस्पति देव सातवें स्थान पर बैठे हुए। बेटा, इसके अंदर इंसान एम्बिशियस होता है, बहुत कुछ करना चाहता है, और उसके चक्कर में, बहुत कुछ करने के चक्कर में इधर उधर से कर्जा भी उठा लेता है, जो कि बाद में बड़ा तकलीफ दे बनता है, और घर की सुख शांति और समृद्धि दोनों ही प्रभावित होती है। ऐसी अवस्था के अंदर बेटा, तुम्हें सबसे पहले तो मैं एक एडवाइस करूंगा कि तुम्हारा काम करना तो जरूरी होगा ही होगा, और तुम जहां शादी करो या तुम्हारी शादी हो चुकी, तो बेटा पत्नी का काम करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारी पत्नी काम नहीं करेगी तो तुम्हें जीवन में सदा ही और बहुत ज्यादा तकलीफें झेलने को मिलेगी, और जो उम्र के आखिरी हिस्से होते हैं यानी कि 55 के प्लस के, उसके अंदर तुम्हारे ऊपर इतना कर्जा होगा कि तुम बेटा झेल नहीं पाओगे। इसलिए पत्नी का काम करना तुम्हारी कुंडली के अंदर बेहद ज्यादा जरूरी है, इस एक चीज को याद रखो। दूसरा, जिस वजह से तुम्हें नौकरी नहीं मिलती और जिस वजह से बेटा कामकाज के लिए अस्थिरता के योग बने हुए, उसका उपाय 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके सुबह सवेरे सूर्य उदय, लेकिन जब घर से निकलो तो तुम्हारे घर का कोई भी खून का तालुकदार तुम्हारे सामने नहीं आना चाहिए, वरना उसको तकलीफ हो सकती है। ठीक है, ये उपाय पहला। दूसरा उपाय बेटा, तुम्हें बाहर तालाब से मिट्टी लेकर के आनी है, तालाब से मिट्टी लेकर आनी है, घर में कीचड़ नहीं बनाना। वो कीचड़ ला करके घर की छत के ऊपर उसका लेप करके एक छोटे से लोटे के अंदर, मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के उसके ऊपर ढक्कन रख के उसी कीचड़ के सेंटर में थोड़ा बड़ा सा टीला बना के उसके अंदर उसको दबा दो। अगर ये तुम करते हो बेटा, इसके बाद में घूमने फिरने से रिलेटेड जो भी काम होगा वो अच्छा रहेगा। जहां पर टेक्नोलॉजी से संबंधित काम होते हैं और जहां पर खास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित काम होते हैं और या ताकत से संबंधित, जैसे जिम वगैरह होता है जहां एक्सरसाइजें करवाई जाती हैं, और जहां पर ऐसे किसी भी जगहों पे अगर तुम नौकरी तलाशते हो तो बेटा तुम्हारे लिए बेहद अच्छा रहेगा और उसमें तुम कामयाब होगे। बाकी के योग ऐसे बैठे हैं जो तुम्हें सदा खुशहाल बना करके रखेंगे। शर्त एक है कि जिस घर में बहुत ज्यादा रोशनी हो या लेंटर के बीच में से रोशनी आती हो उस घर में रहोगे तो दुखी रहोगे, और जो घर लगभग बंद है, लाइट घर में मैक्सिमम जला करके रखनी पड़ती है दिन के वक्त में भी, ऐसे घर में रहोगे तो सदा सुखी रहोगे। दाता सुख दे, खुशियां बख्श। अगर आप भी हमारे शो पर लाइव दर्शक जुड़ना चाहते हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आप हमारी ईमेल आईडी gurumantra@itvnetwork.com पर हमें मेल कीजिए। साथ ही मेल में ये जिक्र जरूर कीजिए कि आप हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, आंचल है अमृतसर से। जी, आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। हेलो, प्रणाम। खुश है दाता। सर, मैं बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। 29 अक्टूबर 1998 6:25 शाम के अमृतसर। ठीक है जी, क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? सर, इनके ना एक पढ़ाई बारे में, एक तो फिर एक साल छूट गया है, दूसरा हम बात पूछना चाहते हैं कि विदेश जा सकती है कि जा इधर इसकी पढ़ाई है किस कैरियर में, और मेरे कारोबार से मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, इसके बारे में पूछना। बेटा, तुम्हारी बच्ची की कुंडली के अंदर कंसंट्रेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए और समृद्धि के लिए एक योग बड़ा खराब है। जब तक इसका इलाज नहीं होता तब तक चाहे इसकी मां हो वो सुखी नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी और पैसे के मसलों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं रहेंगे। विदेश जाने के योग हैं और सच में विदेश जाकर के ये काफी अच्छी सुखी रहेगी, वो भी ठीक है, लेकिन मैरिड लाइफ के सुख खराब। बेटा, कई बार ऐसी बातें हमें आपको बतानी पड़ती है लेकिन बड़े दुख के साथ बतानी पड़ती है। बेटा, इसकी कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण 10वें स्थान पर होना और 6ठे घर से सूर्य देव की दृष्टि 12वें घर में बैठे हुए शनि के ऊपर, बेटा ये दो योग बहुत ही खतरनाक है। इनका इलाज करोगे
तो सिर्फ ये बच्ची ही खुशहाल नहीं होगी, आप सब लोग भी खुशहाल होंगे, क्योंकि ये जो बुरा योग है ये तुम्हारा खानदानी चल के आया है बेटा, यानी कि पिता की तरफ से ये विरासत में मिलता है और वहीं से ये खराबी के योग देता है। तो इसीलिए ये उपाय हो जाने से तुम्हारे भी इलाज हो जाएंगे। और वो इलाज क्या है? सबसे पहले 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना साल में एक बार खिलाना बहुत जरूरी है। एक चांदी का बर्तन लेना है और एक पीतल का बर्तन लेना है, दोनों के अंदर गंगा जल भरना है और दोनों के अंदर चांदी का चकोर टुकड़ा डालना है। पीतल के बर्तन पे पीतल का ढक्कन और चांदी वाले बर्तन के ऊपर चांदी का ढक्कन रख के इसके कमरे के अंदर रख दो बेटा। और उसके बाद में हर सोमवार को दूध और चावल लेकर के मंदिर में देते रहो, ये उपाय बहुत जरूरी। दूसरा उपाय सूर्य छठे घर का बेटा, इसके अंदर बेटा ज्यादा से ज्यादा चांदी चावल गंगा जल ये घर में तो रखना ही होता है। उसके बाद में हर रविवार को बेटा गुड़ और गेहूं का दान करना या गुड़ और गेहूं लेकर के बंदरों को खिलाना बेहद जरूरी है। और शनिवार के दिन कुत्ते और कौओं को कुछ ना कुछ खाने को देना और खास तौर पे कौओं को मीठा खाने को देना बहुत जरूरी है। ज्यादातर यही कहते हैं कि वो बेसन की मोड़ी वगैरह मिलती है वो कौओं को डाला जाता है, बेटा वो मत डालना, मीठा चूड़ी कुटी हुई देसी घी में अगर वो तुम खिलाते हो तो इसका शनि भी बहुत प्रबल होगा। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा, इसकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, तुम्हारी कमाई भी अच्छी होगी और आगे चल के शादीशुदा जिंदगी का सुख अच्छा हो सकता है। आपका फ्यूचर कैसा होगा, क्या इसके लिए आप भी हमेशा सोचते रहते हैं? मैं आज हम गुरुदेव से बात कर रहे हैं, सास बहू के रिश्ते को कैसे सुधारा जा सकता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु जी, आज सास बहू के झगड़ों की बात हो रही है, कई बार ऐसा भी होता है कि घर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और बाहर वाला दोनों के बीच लड़ाई कराता है जो बहुत ज्यादा उलझ जाती है और पता भी नहीं चलता है, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं घर वाले या फिर सास और बहू? बेटा इसके लिए मैं पहले सिम्टम्स बता दूं कि ये होते कैसे। बेटा जब भी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र और शनि आपस में मिलते हैं तब कोई ना कोई बाहर से आता है जो सास का करीबी बन जाता है या बहू का करीबी बनता है और वो उसको जताता है कि वो उसके फेवर के लिए बात कर रहा है, उसके भले के लिए बात कर रहा है और दोनों की लड़ाई करा जाता है, समझे। और इस योग के अंदर सिर्फ इतने तक ही बात नहीं ठहरती, इसके अंदर आगे चल के अपने पैसे के नुकसान भी होते हैं और मियां बीवी के आपस में गलत फहमियां भी बहुत ज्यादा पैदा होती है या सास बहू में आपस में बहुत बड़ी गलत फहमियां पैदा होकर के एक दूसरे पे इल्जाम भी लगते हैं। इसको ठीक करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर बाहर वाले की वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं तो इसका उपाय लिखो बेटा, और वो उपाय है एक लोहे की छोटी सी डिब्बी ले, ढक्कन सही ये मिलती है बेटा, लोहे की डिब्बी के अंदर 11 काली मिर्च और गाय का घी ये दोनों भर के ढक्कन बंद कर दे और उसको मंदिर में रखा है। इस प्रकार से 43 दिन लगातार आपको ये कार्य करना है, लोहे की डिब्बी में 11 काली मिर्च और गाय का देसी घी डाल के उसको ढक्कन बंद करके मंदिर में देना। अगर ये कर दिया बेटा तो सास बहू की चाहे गलत फहमी हो चाहे मियां बीवी की गलत फहमी हो दोनों खत्म हो जाएगी और बाहर वाला जो आकर के उनकी लड़ाई करवा रहा है या अपना फायदा उठाना चाहता है बेटा उसका मकसद फेल हो जाएगा और जिंदगी खुशहाल। सास बहू के रिश्तों की बात चल रही है, बनते बिगड़ते रिश्ते, गुरु जी दोनों ही किचन में रहती हैं, तो क्या किचन में भी ऐसा कोई राज छिपा हुआ है जिसकी वजह से इन दोनों के रिश्ते खराब होते हैं या बनते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं? बेटा किचन में वाकई में बहुत अच्छा जोड़ा है, जिनके घरों में किचन के अंदर सिर्फ उत्तर दिशा की तरफ चूल्हा हो समझिए, उन घरों में भी सास बहू के बनने में भी तकलीफ होती है और सास को शारीरिक कष्ट भी होते हैं, ठीक है। और जिन घरों में दक्षिण पश्चिम के अंदर चूल्हा हो बेटा वहां पर बहू बीमार रहती है और बहू के साथ ही सबसे ज्यादा लड़ाई होती है, स्वभाव चाहे उसका ज्यादा खराब हो जाए या उसकी समझने की शक्ति खराब हो जाए, तो इसीलिए दक्षिण पश्चिम के अंदर से चूल्हा नहीं होना चाहिए और घर का जो खास तौर पे उत्तर दिशा प्रॉपर पूरी बनती है उस तरफ चूल्हा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चूल्हा होना कहाँ चाहिए, पूर्व में या दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में? बेटा अगर घर का चूल्हा होगा तो घर में सास बहू की लड़ाई का कारण ये बिल्कुल नहीं बनेगा। गुरु जी किचन की बात चल रही है तो क्या खाने या मसाले इनका प्रयोग भी सास बहू के झगड़े को कम कर सकता है? बिल्कुल ऐसा होता है, जिस घर के अंदर हर रोज काली सरसों की छौंक लगती हो बेटा उस घर के अंदर सास बहू की लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता,
और वहाँ सिर्फ सास बहू की लड़ाई ही नहीं होती, वहाँ पर भाई भाई में गलतफहमी भी पैदा होती है। भाई भाई आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करते और परिवार के बाकी के लोग भी जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन खुशहाली नहीं करते। इसीलिए कभी कभार अगर आपने अपने स्वाद के अनुसार सरसों का छोक लगाना हो तो वो चलेगा। हर रोज या हफ्ते में 4 बार काली सरसों की छोक का लगना बेटा ये परिवार को कभी भी एक नहीं रहने देगा। गुरु जी आज बात हो रही है सास और बहू के झगड़े की, इसमें सबसे ज्यादा जो पिसता है वो पति होता है, और हमारे कई दर्शक भी ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि मेरे लिए तो कोई उपाय बताए नहीं है तो पति भी क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि इन दोनों का झगड़ा सुलझ पाए? बिल्कुल बेटा, जो भी इंसान पापी ग्रहों के जानवरों को खुश करता है और उनकी रेमेडीज करके चलता है उसके घर के अंदर ये क्लेश बिल्कुल नहीं बचते बेटा। जैसे केतु को ठीक करने के लिए बेटा कुत्तों की सेवा, शनि को अच्छा करने के लिए बेटा चाहे भैंसे को कुछ खिलाओ चाहे कौओं को कुछ खिलाओ बेटा, ये करना बेहद ज्यादा जरूरी है। और मंगल को अच्छा रखने के लिए मंगलवार के दिन चाहे पूजा पाठ कोई करो या ना करो लेकिन मंगलवार को मिठाई जरूर बांटो बेटा। और जो भी इंसान इन जानवरों की सेवा करके चलता है और मंगलवार के दिन मिठाई बांट के चलता है उसको बेटा अपने घर के अंदर सास बहू का झगड़ा बिल्कुल नहीं मिलता। और घर के अंदर उल्टा अगर उसकी कुंडली के अंदर कोई बुरे ग्रह योग के कारण खराबी के योग बने भी हुए हैं तो बेटा सारे अच्छे सुख इनकी तरफ से मिलने शुरू होते हैं। और साथ में कम से कम साल में 1-2 बार काले सफेद कंबल का दान करना, केलों का दान करना और कभी कभार ये फ्रूट की चाट इमली डाल करके ये बनाना और लोगों के अंदर बांट देना, और इसके अलावा बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना बेटा, ये सारे उपाय मर्दों के लिए बने हैं। अगर ये उपाय वो करते रहते हैं तो घर के अंदर वो जब भी आएंगे तो बेटा खुशी खुशी ही वो अपना वक्त बिताएंगे, उनको एक दूसरे की शिकायतें सुनने का वक्त नहीं मिलेगा। ठीक है गुरु जी, संस्कार की बात हमेशा की जाती है जब लड़की शादी होके ससुराल जाती है और सास भी कभी बहू ही होती है, कभी ना कभी वो भी किसी के घर पे प्रवेश करती है तो कहा जाता है कि संस्कार अच्छे नहीं है। संस्कार का भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है शादी के बाद इस कला में, और बुरे कर्मों का भी कोई फर्क? इंसान के 3 दिमाग होते हैं बेटा, लेफ्ट साइड वाला ये हमारा काम करता है, राइट वाला खुल जाए तो ये जीनियस बनाता है, लेकिन ये आगे वाला अगर दिमाग खुल जाए तो ये इतना ज्यादा गुस्सा और एग्रेशन पैदा करता है कि साइको भी इसमें पैदा होते हैं। जिनका आगे का दिमाग खुल जाता है बेटा वो साइको हो जाते हैं। इसीलिए औरतों की कुंडली के अंदर ये चीज का योग ज्यादा होता है कि ये दिमाग कहीं थोड़ा बहुत ना जाग जाए, कहीं क्लेश की मात्रा ना बढ़ जाए। इसके लिए हमेशा ये विधान बनाया गया हमारे संस्कारों में कि औरत लाल रंग की बिंदी ये बिल्कुल सेंटर पे लगाए और मांग के अंदर लाल रंग का सिंदूर भर के रखे। अगर इसके अंदर आप लाल रंग के बजाय अगर और किसी रंगों की बिंदियां लगानी शुरू करते हैं या मांग के अंदर बड़ा अटपटा सा कोई और रंग का सिंदूर भरने लगते हैं बेटा तो ये बेहद खतरनाक वाली पोजीशन है जो कभी भी अपने संस्कारों को छीन करके घर के अंदर की सुख शांति को फिर को बिगाड़ सकती है। तो घर के अंदर चाहे सास हो चाहे बहू हो अगर पांव में पाजेब होगी, अगर लाल रंग की बिंदी सेंटर में और मांग के अंदर लाल रंग का सिंदूर होगा तो बेटा सहन शक्ति पूरी बढ़ेगी, एक दूसरे की केयर होगी, एक दूसरे के साथ इमोशन पूरी तरह से जुड़े रहेंगे और ये आगे वाला गर्म दिमाग बिल्कुल नहीं जागेगा। और अगर आगे वाला गर्म दिमाग नहीं जागा तो एक दूसरे के लिए प्यार और माफ करने की प्रवृत्ति ही पैदा होगी। तो इन संस्कारों को अपनाइए और इस क्लेश को अपने घर से दूर भगाइए और सदा सुखी रहिए। गुरु जी हम सास बहू की लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, ऐसा भी होता है कि इनके लड़ाई झगड़े की वजह से घर का वातावरण खराब हो जाता है, तो ऊपर से दोनों बीमार रहने लगते हैं, घर के बाकी सदस्यों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है, तो किस तरह की किस वजह से ये होता है और क्या उपाय कर सकते हैं? बेटा ये एक पितृदोष है और इस पितृदोष के अंदर होता क्या है, जब भी ये शुक्र का पितृदोष पैदा हो जाए घर के अंदर की औरतें कभी भी सुखी नहीं रहती, उनके स्वास्थ्य भी खराब रहते हैं, उनकी वजह से घर में क्लेश भी होता है, एक दूसरे की कड़वी जुबान भी होती है और जिसकी वजह से बेटा घर के जो मर्द होते हैं वो परेशान ही रहते हैं। कारण ये है कि दोनों की शिकायतें होती हैं, उसकी उसके खिलाफ और उसकी उसके खिलाफ, और आदमी को घर भी बचाना होता है। तो बेटा ये जो शुक्र का पितृदोष है ये हमेशा
अपने आप ही औरतों की वजह से भी तकलीफ रखता है, समृद्धि की भी तकलीफ रखता है और घर में स्वास्थ्य की दिक्कतें भी घर की औरतों को देता है। इसमें अपना किसी का भी कोई दोष नहीं होता और इस पितृ दोष को जो बिठा के चलता है बेटा, उसको जिंदगी के अंदर कभी भी ये दुख नहीं झेलने को मिलते। और इसके साथ एक और खास बात है, जहां ये पितृ दोष होता है वहां पर हमेशा होता क्या है कि समृद्धि आ भी जाए तो खराब हो जाती है, समझ गए। और पैसा बहुत ज्यादा अगर इकट्ठा हो भी जाए, चाहे जिम्मेवारी पे चाहे शौक पे खर्च होकर के, वो भी खत्म होता है। अब मर्दों का घर से दिल भी उठता चला जाता है इस क्लेश की वजह से, ये भी मुसीबत घर के अंदर आती है। इसको मिटाने का बेटा उपाय लिखो कि हर शुक्रवार को आपने गाय की सेवा करनी, पर करनी कैसी है ये बताता हूं। सरसों की खल लेकर के बेटा उसको रात्रि में पानी में भिगोएं और शुक्रवार सुबह को आप मंदिर में खड़ी किसी भी गाय को जाकर के भूसे के साथ मिलाकर के बेटा उसको ये खाने को दें। ये लगातार आपको एक साल तक उपाय करना है बेटा, और हर शुक्रवार का ये उपाय, अगर ये आप करते गए तो ये शुक्र का पितृ श्राप मिटेगा और घर के अंदर सास बहू का झगड़ा खत्म होगा, आदमी खुशहाली से रहने शुरू होंगे और सारे दुख दूर होंगे और घर स्वर्ग की तरह लगेगा। खुश रहो। एक बार फिर से हम दर्शकों को याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपना सवाल और अपनी डिटेल्स हमें भेजिए, उसके बाद हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। साथ ही अगर आप गुरुदेव से बात करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो गुरु जी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ गए हैं। अनु शर्मा है गाजियाबाद से। जी अनु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरु जी नमस्कार, मेरा नाम अनु शर्मा है और मेरा जन्म स्थान आगरा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 अगस्त 1962 है और जन्म का समय शाम 4:05 है। मैं आपसे अपने घर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरे घर का सपना कब पूरा होगा। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर तीन योग बड़े खराब हैं। सबसे पहला शुक्र देव नौवें घर के अंदर बैठे हुए, ये पति पत्नी के आपस में किचकिच के माहौल भी पैदा करते हैं और कमाई के मामले में बाधाएं पैदा करते हैं। उसके बाद दूसरा योग मंगल देव छठे स्थान पर बैठे, तुम्हारे गुस्से की मात्रा को भी बढ़ाएगा, सेहत को भी खराब करेगा और पति के सुख और बच्चे के सुख, बेटे के सुख, इनके अंदर कोई ना कोई कमियां पैदा करेगा। लेकिन गज केसरी योग यानी कि चंद्र मंगल का योग धन भाव में होने के कारण बेटा ये बहुत ज्यादा तकलीफें तो नहीं रहने देता, लेकिन तकलीफें तो लगातार रखता है। इसके बाद शनि राहु का मेल कहते हैं जब भी मकान बनेगा उसके बाद कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने के योग शुरू होंगे। तो तुम्हारा जो योग बन रहा है, अपने आप जो बन रहा है बेटा, वो बन रहा है मकान बनने का 2022-23, ठीक है। लेकिन अगर तुम इनके उपाय करके चलती हो तो इससे बेटा गज केसरी योग और प्रबल होगा, पहले ही समृद्धि बहुत अच्छी आएगी और उसके बाद में मकान जबरदस्ती बना सकती हो, लेकिन इनका उपाय होने चाहिए। उसका उपाय है सबसे पहला 43 दिन चांदी का चकोर टुकड़ा नीम के पेड़ की जड़ के अंदर दबाना, ये पहला उपाय। दूसरा उपाय कि हर मंगलवार को छोटी छोटी कन्याओं को बेटा साबुत बादाम देना खाने को, समझे, कम से कम 6-6 कन्याओं को जरूर दो, हर मंगलवार को देना। और तीसरा उपाय है बेटा कि हर शनिवार को एक नारियल, उसके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगाकर और काले तिल लगाकर के बेटा उसको जल प्रवाह करो। अगर तुमने बेटा ये उपाय करती गई और लगातार एक साल कर दिए, इसी एक साल में तुम्हारी समृद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी, पति और बच्चे के सुख बहुत अच्छे हो जाएंगे, मकान बनने के योग खड़े हो जाएंगे। ऐसे में जितना चांदी चावल गंगा जल तुम्हारे घर में रहेगा और केसर का तिलक आपके घर के सारे लोग नाभि जुबान माथे पर लगाओगे, घर में उतनी ही सुख शांति समृद्धि सब कुछ बढ़कर के हर तरह के सुख प्राप्त करोगी, दाता सुख। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राकेश शर्मा है कुरुक्षेत्र से। जी आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। प्रणाम गुरु जी, खुश है दाता, सुख है बेटा। तो मैं राकेश शर्मा, मेरी जन्म तारीख 31 मई 1967, ठीक है, और जन्म स्थान है अमृतसर। समय? और समय है 12:35 दोपहर। जी क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ, आज तक जीवन में कोई तरक्की नहीं हुई और मेरे पास 2 बेटियां हैं, उनके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ और अपनी तरक्की कब होगी इसके बारे में जानना चाहता हूँ।
बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि और राहु अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए मंगल पे दृष्टि, और जब भी मंगल अपनी कुंडली के अंदर बाधित हो जाता है, बुरे ग्रहों की दृष्टि में आ जाता है बेटा, उस वक्त में घर के अंदर समृद्धि के सुख कमजोर लिखे होते हैं। और जबकि मंगल केतु धन भाव में बैठे हुए कहते हैं ऊंचा अधिकारी बनेगा, शिक्षक बनेगा और हर तरह से लोगों को सिखाने पढ़ाने वाला बनेगा, ठीक है, लेकिन ये शनि राहु बाधित कर रहे हैं। दूसरा, बृहस्पति और शुक्र भी जब जन्म कुंडली के अंदर आपस में मिल जाते हैं कहते हैं रेत का पहाड़, यानी कि दुनिया को दिखने के लिए समृद्ध, अच्छा, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन अपने आप को अपनी हालात पता होती है कि रेत के पहाड़ की तरह की हमारी समृद्धि को अगर छुआ तो ये बिल्कुल बैठ, ये इस तरह के हालात पैदा करता है। जब तक इन दोनों ग्रहों का तुम इलाज नहीं कर देते, इन दोनों बुरे योगों को तुम ठीक नहीं कर लेते बेटा, तब तक तुम्हारे लिए कामयाबी के स्तर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। तीसरी बात एक और भी है तुम्हारी कुंडली में कि जब जब भी तुम्हारे घर में चांदी का गिफ्ट आएगा, किसी भी तरह की चांदी, चाहे सिक्कों के रूप में, बर्तनों के रूप में या किसी भी तरह के चांदी का गिफ्ट तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें नुकसान जरूर होंगे और घर के अंदर के हालात खराब बनेंगे। तो चांदी का गिफ्ट आज के बाद अगर घर में आए तो फौरन उसे बेच दो, चाहे किसी को दे दो बेटा, ये बहुत जरूरी है। बाकी के उपाय मैं बता रहा हूं, और वो उपाय क्या है बेटा कि हर शनिवार को थोड़ी सी उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह करना शुरू करो, ठीक है। और दूसरा उपाय है चार शुक्रवार चार आड़ू की गुटली के अंदर सुरमा भर के उसको घास वाली जमीन के अंदर दबा दो, ठीक है। और तीसरा उपाय है बेटा कि हर मंगलवार को मिठाई जरूर बांटो। मात्र ये तीन उपाय करके देख लो बेटा, इसी में परमात्मा की दया से तुम्हारी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। बुध देव तुम्हारे कर्म स्थान के ऊपर बैठे हुए तुम्हें बहुत अच्छा काम देने के लिए तैयार बैठे हैं। सूर्य देव लंबी आयु दे करके तुम्हारे मस्तक के पूरा बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, कहने का मतलब तुम्हारी इज्जत को बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। तब ये दोनों ग्रह तुम्हें पूरा मिलकर के अच्छा फल देंगे जब ये तीनों उपाय हो जाएंगे। इन उपायों को करो और सदा सुख मानो बेटा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, विदिशा रांची है उत्तराखंड से जी। आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकती है। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम विदिशा है, मेरी जन्म तिथि 22/1/86 है। जन्म का समय है 12:02 दोपहर। जन्म स्थान है मुरादाबाद यूपी। गुरु जी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे एक तो कैरियर के विषय में जानना चाहती हूँ एंड सेकंड में मैरिज के विषय में जानना चाहती हूँ। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर एक बहुत ही खराब योग एक नहीं दो दो बैठे हुए हैं, और ये दोनों ही खराब योग एक मंगल शनि का जो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के ऊपर बैठा हुआ है बेटा, या तो शादी को डिले करता है या शादी के बाद सुख नहीं रहने देता। और दूसरा योग सूर्य और बहुत अच्छे हालात नहीं रहने देता, और हो भी जाते हैं तो बहुत तब्दीलियां और ऊंचाइयों के लिए तरसना पड़ता है। ये दो योग बेटा ऐसे हैं जो मैरिड लाइफ और अपने कामकाज दोनों को खराब करता है। और प्लस बुध ये 9वें घर का बैठा हुआ बेटा 17 साल की उम्र से ही तकलीफों पे तकलीफें देता है, और ये भी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सबसे पहले इन तीनों चीजों का इलाज करो, और डेटे तो बेटा शादी के पहले भी निकल गई और अब और भी आएंगे जिनके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन उपायों के बाद हर चीज की कामयाबी मिलेगी। और वो उपाय है सबसे पहले 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को खाना खिलाओ। साल में एक बार तुमने जरूर खिलाना, अगर तुमने ये नहीं खिलाया तो पति पत्नी के सुख और कामकाज दोनों ही बाधित रहेंगे। दूसरा बेटा जो मजदूर होते हैं जो वाकई में बहुत भरी धूप में मेहनत करके अपना पूरा पसीना निकालते हैं बेटा, उनको हर महीने दूध पिलाना बेहद जरूरी है। और अगर हर शनिवार को पिला दो तो सोने पे सुहागा, और एक साल अगर पिला दोगी तो बेटा कुंडली का बुरापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और पति पत्नी के सुख भी बहुत अच्छे बनेंगे। और तीसरा उपाय है बेटा एक नारियल पूजा वाला, 10 साबुत बादाम और 10 छुआरे, ये लेकर के हर मंगलवार को किसी गरीब को दान दो चाहे जल प्रवाह करो। ये उपाय अगर तुम करोगी तब बेटा कामकाज के योग, तुम्हारी शादी के योग और तुम्हारे सुखी रहने के योग उत्पन्न होंगे। वरना बेटा ये योग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी के अंदर कभी भी ढंग से सुखी नहीं रहने देते, और साथ में जीवन में जब भी ये शारीरिक कष्ट देते हैं तो पूरा मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, यानी कि आदमी हाथ लगा के ही वापस आता है। तो इसलिए इन योगों का इलाज करना बेहद जरूरी है बेटा। इसके बाद बेटा जितने ज्यादा चावल और चांदी तुम्हारे घर में रहेगी तुम जिंदगी के अंदर उतनी ही समृद्ध और उतनी ही अच्छी रहोगी। बस इतने से उपाय करो और जीवन के सारे सुख पाओ बेटा, खुश शायद आता।
आपका भविष्य किस ओर जाएगा, आपके भविष्य में क्या घटनाएं होंगी, आपका भविष्य क्या गुड न्यूज लेकर आएगा, ये जानना बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि आप गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अब आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने भविष्य की जानकारी खुद पा सकते हैं। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शो के आखिरी में गुरुजी बताते हैं हम सबको एक ऐसा गुरु मंत्र जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरुजी सास बहू के रिश्ते की, घर परिवार में कलह ना हो तो उसके लिए क्या गुरु मंत्र आप हमारे सास बहू को एक साथ देना चाहते हैं? बेटा, सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूँ इस गुरु मंत्र में कि घर में गर्म ग्रहों की जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। गर्म ग्रहों की जगह क्या होती है? अगर घर के अंदर कोई भट्टी बहुत बड़ी बड़ी अगर आपने रखी हुई है और उसके अंदर आए दिन तंदूर वगैरह तुम जलाते हो तो समझ लो घर के अंदर कभी भी मुसीबतें और कलेश कभी भी आ सकता है। पहला ये। दूसरा बेटा, अगर तुम्हारे घर में बड़े बड़े दीवान या तख्त है और उनके नीचे तुमने बर्तन वगैरह भर के रखे हुए हैं और लोहे का फालतू सामान तुमने भर के रखा हुआ है या लकड़ियों का फालतू सामान भर के रखा हुआ है तो ये घर के किसी भी कोने में हो बेटा, इसमें से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आप लोग जो सुनते हो वो आपके दिमाग को बंद करने का काम करती है और एक दूसरे को माफ ना करने की प्रवृत्ति देती है। तो सबसे पहले ये भी अपने घर से हटाओ। और तीसरा, घर का जो उत्तर पूर्व कोना है और घर का जो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है बेटा, इसके अंदर कबाड़ वगैरह बिल्कुल ना हो। और तीसरी बात, संस्कारों का पालन करना, यानी कि घर के अंदर जो भी औरतें हैं वो अपनी मांग में सिंदूर जरूर भरे, लाल रंग की बिंदी लगाए, किसी और रंग की बिंदी ना लगाए। औरतों के पांव के अंदर बिच्छुओं का होना और पांव में पायल होना बेटा, ये अपने घर के अंदर की सुख शांति और समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। और जिस घर में ये संस्कारों के पालन होते हैं और इस तरह का वास्तु ठीक किया जाता है उन घरों में कलेश बिल्कुल नहीं होते, मियां बीबी भी सुखी रहते हैं और सास बहू भी हमेशा खुशहाली से रहती है, दाता सुख। तो गुरु जी ने आज एक ऐसे उपाय बताए हैं हमारे दर्शकों को जिससे कि अगर आपके घर भी सास बहू के रिश्ते बिगड़ रहे हैं या फिर आप शादी करने जा रहे हैं उससे पहले आप क्या उपाय कर सकते हैं, क्या दोष आपकी कुंडली में है, क्या उपाय आपको करने हैं, आज गुरुजी ने वो सब बातें बताई हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया आपने सारी जानकारी देने। माता रानी सदा सुखी रखे और खुशियां बख्शे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपनी किस्मत को खुद देखना चाहते हैं, अपनी किस्मत अपने हाथ में रखना चाहते हैं, फोन पर टेल माई लक ऐप डाउनलोड करें, अपने भविष्य को खुद देख सकते हैं, जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा। पवित्र गोमूत्र इन एंटी बैक्टीरियल जड़ी बूटियों